नमस्कार, मैं सुधीर आजाद एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और आज हम व्याकरण के जिस एक उपविषय के साथ आपसे जुड़ रहे हैं वह है संधि। जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि संधि आज हम पढ़ने वाले हैं और जिस सिलसिले से हम संधि पढ़ेंगे, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विषय क्या होता है, संधि के भेद क्या होते हैं, भेदों के प्रकार क्या होते हैं, यह भी हम पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर इस विषय में प्रविष्ट होने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आपको जो ज्ञात होनी चाहिए वह यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से जुड़े 4 से 5 प्रश्न अर्थात 4 से 5 अंक वैकल्पिक परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं। लिखित परीक्षा में अगर संधि से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो संधि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न कम से कम 5 से 10 अंक का होता है। इसीलिए बेहद सतर्कता से, बेहद सावधानी से संधि क्या है, संधि के प्रकार क्या है, उन प्रकारों में क्या अंतर है और वह कैसे समझे जाते हैं, उसकी समझ कैसे बनाई जाती है, यह सब बहुत एकाग्रता से समझने की आवश्यकता है। चलिए आज के इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने है, पहली स्लाइड कह रही है कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। इसका शाब्दिक अर्थ है जिसका प्रयोग व्यवहार में हम कई मर्तबा करते हैं। संधि जो है संस्कृत का शब्द है, यह एक तथ्य है, अपनी स्मृति में रखिएगा। 2 वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन इन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह विकार संधि है। यहां देखिए कि इसी को थोड़ा सा एक अतिरिक्त विस्तार दिया है कि जब 2 वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि है, यह बॉटम लाइन। संधि विच्छेद क्या होता है? पदों का मूल रूप में पृथक करना या पृथक होना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण छोटा सा देखिए, महर्षि एक पद है, एक विकार है और इसका अपने मूल रूप में अर्थात महा और ऋषि इन में पृथक पृथक रूप में आना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यही पूछा जा सकता है कि निम्न शब्द का संधि विच्छेद होगा या यह जो संधि विच्छेद है इससे कौन सा शब्द निर्मित होगा। दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधि के जो भेद होते हैं या जिन्हें हम प्रकार भी कहते हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह है अब थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ये क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है जो आपसे कह रही है कि स्वर संधि जो होती है, स्वर का स्वर से जो मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या अर्थी तो विद्यार्थी, तो विद्या का बड़ा आ, अर्थी का छोटा आ, और जो विकार उत्पन्न होता है विद्यार्थी स्वर संधि कहलाता है। बिल्कुल सूर्य उदय, सूर्य उदय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं, हम क्रमशः इनके बारे में समझेंगे। पहला जो प्रकार है स्वर संधि का वह है दीर्घ स्वर संधि। जब 2 स्वर्णों ऋस्व या दीर्घ, यहां पर ऋस्व को सरल शब्द में मैं लिख देता हूं लघु, जब लघु और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वह दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है शिव आलय शिवालय। शिव छोटा आ, आलय बड़ा आ, शिवालय
बड़ा। स्वरों के स्वरों से मिलने से जब वह दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर शक्ति होती है सरलतम। ऐसे ऐसे याद रखिए, विद्या अर्थी विद्यार्थी, दो स्वरों का मेल। गिरि इंद्र, दो लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। गिरीन्द्र, गिरि ईश, गिरीश, अर्थात एक लघु और एक दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ऐसा ही रि रि रि, अर्थात दो लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर तृण का निर्माण करते हैं। अगली जो स्लाइड है आपको बता दी है कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, और समझिएगा जब अ और आ को ई और ई से मिलाया जाता है तो वह ए हो जाता है। अ और आ को जब ई और ई से मिलाया जाता है तो वह ए हो जाता है। आ और आ को ऊ और ऊ से मिलाया जाता है तो वह ओ हो जाता है, और आ को ऋ से मिलाया जाता है तो वह अर हो जाता है। यही गुण स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण देखिए, आ और ई को मिलाया गया देव आ, इंद्र ई, तो यहां पर हो गया ए देवेंद्र। अर्थात आ और ई को ये जब दो स्वर मिलते हैं तो जो उसका उसका जो विकार उत्पन्न होता है वह ए विकार उत्पन्न होता है। देव इंद्र देवेंद्र, समुद्र उर्मी समुद्रोर्मी, महाउत्सव महोत्सव। यहां पर आ और ऊ के जो मेल से ओ विकार उत्पन्न हुआ है तो उत्सव। आ रे अर महाऋषि महर्षि। तो यह गुणस्वर संधि है। इसको समझने का आसान तरीका, मैंने यह तोड़ कर यहां इसलिए लिखा है कि यह आपकी स्मृति में अंकित। वृद्धि स्वर संधि का एक और प्रकार। यहां पर जब आ और आ ए और ए से मिलते हैं तो वह ए बनाते हैं, और आ और आ ओ और ओ से मिलते हैं तो औ बनाते हैं। इस परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। आ और आ ए और ए से मिलते हैं तो ए बनाते हैं, आ और आ ओ और औ से मिलते हैं तो औ बनाते हैं। जैसे एक 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 एक। अब यहां पे एक ए ए ई, यहां आ औ औ। यह संधि वृद्धि संधि कहलाती है। एक एक महोशब्द, यह दो उदाहरण वृद्धि स्वर संधि के आपने अभी देखे। और अब जो स्वर संधि का एक अन्य प्रकार है, यण स्वर संधि। जरा सा समझिएगा, और बड़ा वैज्ञानिक है संधि विच्छेद संधि। यह पूरा टॉपिक ही बड़ा वैज्ञानिक है। इसलिए इससे अगर एक बार आपने समझ लिया तो जीवन पर्यंत आप किसी भी इसमें उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है, इनके अलावा ई उ और री का असमान स्वरों से मेल होता है तो ई और ई का या बनता है, उ और उ का वा बनता है, और री का रा हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अगर इन स्वरों का ई ई उ और री का असमान स्वरों से मेल होता है तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, और री का रा हो जाता है। उदाहरण देखिए, यदि अपि। अब यहां यदि ई आ का यहां पर या हो गया, यह है यण स्वर संधि। अति आवश्यक अत्यावश्यक बिल्कुल वही। अति उत्तम अत्युत्तम, पित्रादेश पित्रादेश, र का अर अगर र आ से जोड़ता है तो वह रि हो जाता है, पित्रादेश। यह थी यण स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि का पांचवा और अंतिम
और यह है, और इसके लक्षण यह हैं कि ए ए तथा ओ औ का मेल अगर किसी अन्य स्वर से हो, ए ए ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर वह क्रमशः आए आए अब आद हो जाता है, और इसी होने की जो परिवर्तनशीलता है यही परिवर्तनशीलता अयादि संधि कहलाती है, या यह विकार ही अयादि संधि कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है, ने अन ए का आ से जब मेल होता है तो वह अय हो जाता है, तो नयन यह शब्द बनता है। गई अख गायक, अब गई ए आ, जब ए और ए आ से मिलता है तो आए गायक, भोवन भवन, भोपुक भावुक, यह ऐसे शब्द हैं जो अयादि स्वर संधि के उदाहरण। तो हमने स्वर संधि, स्वर से स्वर जब मिलता है तो जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है, उसके हमने 5 प्रकार यहाँ पर पढ़े। और उसके बाद अब हम जो दूसरी संधि के प्रकार में आ रहे हैं वह है व्यंजन संधि। संधि का कैसा प्रकार जिसमें एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को व्यंजन संधि। अभी स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, अलग स्वर, समान स्वर, दो स्वर के किसी असमान स्वर से मिलने पर, समान स्वर के मिलने पर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नियमों के साथ हमने स्वर संधि पढ़ी। अब व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से जो मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। उच्चारण, 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 यह है व्यंजन का उदाहरण है। व्यंजन संधि के जो नियम है वह समझ लीजिए, यह बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी समझ आपको संधि समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जरा सा इत्मीनान से और बहुत सहज होकर इसे समझने की आवश्यकता है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ साइंस जरूर है, इसका विज्ञान तो है। और वैसे भी आप जानते हैं कि हिंदी, हिंदी जो भाषा है वह वैज्ञानिक भाषा है। व्यंजन संधि के नियम, पहला जो नियम है वह कहता है, यदि माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अगर माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, अहंकार, तो माँ के बाद जो भी व्यंजन आता है वह अनुस्वार में बदल जाता है। तो अहंकार, यह पहला नियम। पंचम, तो पंचम, यह पहला नियम। दूसरा नियम कि यदि त द के बाद ला रहे या त द ला में बदल जाते, अगर त द के बाद ला रहे तो त द ला में बदल जाते हैं, और ना के बाद ला रहे तो वह ना का अनुनासिक के बाद में ला हो जाता है। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, इत्मीनान से समझिएगा, बहुत सरल है। उदाहरण आपके सामने है, यदि ता और दा के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाते हैं, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के बाद में ला हो जाता है, जैसे उत्लास, उल्लास, यह है इसका उदाहरण। तो बहुत इत्मीनान से अगर समझा जाए तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप उलझ गए तो उलझ जाएंगे, इसलिए एकाग्रता बेहद आवश्यक। तीसरा नियम, इसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र ला वा में से किसी वर्ण से हो, वो तो वर्ण का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सहज है, फिर से सुनिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण का वर्ण, चावर्ण, टावर्ण, तावर्ण, पावर्ण, वर्णमाला आपके पास है, उसके जो वर्ग होते हैं का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे या चौथे, जैसे
इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण के से हो तो वर्ण का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जो पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह इसका नियम है। दो उदाहरण है, दिक गज दिग्गज, षट आनंद षडानंद, यह इसका इसके दो उदाहरण है। चौथा जो नियम है वह कहता है कि यदि क च ट ट प के बाद ना या मा आए, क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो इसके लिए यहां सबसे अहम है कि आपके पास वर्णमाला खुली हो। वर्णमाला जब आपके पास खुली होगी तो आप बड़ा आसान यह सारा कुछ समझ जाएंगे। मैं इसलिए इसे बहुत सरल कह रहा हूं क्योंकि मैं इन नियमों से उतना ही परिचित हूं जितना कि होना चाहिए, और उतना कि एक ऐसी समझ मिल जाए जो मुझे किसी भी किस्म की दुविधा से बात करे। और यह तब जब मैं वर्णमाला को बेहतर समझूंगा। तो आप यहाँ जो का चाटा आपको लग रहा होगा कि ये क्या मुझे याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, वर्णमाला को समझने के बाद यह आसान। देखिएगा फिर से पढ़ रहा हूं एक बार, यदि क च ट त प के बाद ना या मा आए, ना या मा आए तो क च ट त और प अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि इनका इस समूह का पांचवा वर्ण क्या है तो यह बेहद आसान है। षट मार्ग क्षण मार्ग, जगतनाथ जगन्नाथ, यह इसके दो उदाहरण थे। पांचवा जो नियम है व्यंजन संधि के निर्माण का रचना का है कि सकार और तवर्ण का शकार और चवर्ग के योग में, शकार और चवर्ग तथा शकार और टवर्ग के योग में शकार व टवर्ण हो जाता है। फिर से देखिए, सकार और टवर्ण का शकार और चवर के योग में शकार और चवर, अर्थात सकार और तवर्ग का शकार और चवर के योग में शकार और चवर्ग हो जाता है, एवं शकार और टवर्ग के योग में शकार और टवर्ग हो जाता है। तो अगेन अगर वर्णमाला आपके पास है तो यह बेहद आसान है। जैसे महक्षत्र महक्षत्र, दृष्टा दृष्टा, सावर्ग तावर्ग टावर्ग शावर्ग, अगर आप इन वर्गों से परिचित हैं तो बहुत सरलता से यह समझ। छठवां नियम, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्ण वर्ग के वर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है और हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत्थार उद्धार, वाक हरि बाघरी। देखिए यह है बिल्कुल वैसा है, कोई आपके पास वर्ग समूह का खा का पापा मामा, ये जो समूह है इन समूह का जो पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ण है, अंतिम वर्ण जो है, अगर अंतिम वर्ण को छोड़कर बाकी वर्णों के बाद हा आता है तो वह उसी वर्ण के समूह के चौथे वर्ण समूह का वर्ण हो जाता है और हा की पूर्व वाला जो वर्ण है वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उत्थार उद्धार वाखरी वाखरी, यह है। इसे बेहद सरलता से समझने के लिए अगेन वर्णमाला का ज्ञान। और आप जब हमारे हमारे संपूर्ण हिंदी के वीडियोस को देखेंगे तो जब जहां मैं वर्णमाला मैंने बताई है कि वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला की आवश्यकता क्यों है, वहां पर मैंने बहुत प्रभावी रूप से इस बात को कहा है कि संधि समास समेत सारे ऐसे व्याकरण के पहलू में वर्णमाला, आपका शुद्ध लेखन, आपके विराम चिन्ह, आपका आपका वर्तनी सुधार, उन सब में इनकी बेहद आवश्यकता।
स्वर के साथ छा का मेल होने पर छा के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे परिच्छेद, परिच्छेद यहां छा छा के स्थान पर स्वर का छा का मेल हुआ तो छा के स्थान पर छ हो जाता है। अच्छादन, आच्छादन, च छ में बदल जाता है। ता या ता का मेल यदि च और छ से होने पर ता या दा के स्थान पर च होता है और जा या झा के होने पर जा टा या ठा होने पर टा डा या ढा होने पर डा ला होने पर ला होता है। फिर से देखिए इसको मैं तोड़ दूं जिससे आपके लिए आसान हो जाए। टा या दा का मेल चा या छा से होने पर टा या दा के स्थान पर चा होता है, सिंपल। जा या झा से होने पर जा होता है, टा या ढा से होने पर टा होता है और डा या ढा से होने पर ई होता है। टा और दा का मेल अगर चा और छा से होता है तो ता दा के स्थान पर चा होता है। टा या दा का मेल जा या झा से होने पर जा होता है। टा या दा का मेल टा या ढा से होने पर टड होता है, ट और ढा, या ढा से होने पर डा होता है और ला, टा और दा का मेल ला से होने पर ला हो जाता है। समझ है तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ता दा का इनसे मेल जब होता है तो क्या होता है, उच्चारण। अब देखिए उच्चारण, उत और चा अगर ता और चा का मेल हो, ता और चा का मेल होता है तो वह चा बन जाता है। ता और चा का मेल, ता और चा का मेल होने पर वह चा बन जाता है, उच्चारण। ता और जा का मेल होने पर वह जा बन जाता है, ता जा जा, सज्जन। बिल्कुल सरल अगर आपका कॉन्सेप्ट व्याकरण की वर्णमाला को लेकर क्लियर है तो। अगला, ता का मेल किसी स्वर ग ध द ध व भ म से होने पर ता के स्थान पर द हो जाता है। सत इच्छा, सदिच्छा, ता का मेल किसी स्वर या व्यंजन पर, यहां पर स्वर व्यंजन से होने पर यह है द हो जाता है। बहुत सरलतम उदाहरण देखिए, जगत ईश जगदीश। ता का मेल जब किसी स्वर से होता है तो यह व्यंजन शब्द बनते हैं। यह है समझ में क्या आवश्यकता है। ता का मेल जब किसी स्वर से होता है तो वह कैसे परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है देखिएगा। सत अगर ता का मेल एक स्वर ई से हुआ तो वह दा में बदल गया। यह नौवा जो नियम है यह कहता है, दसवां नियम कहता है दा या दा का मेल शा से होने पर दा के स्थान पर चा और शा के स्थान पर छा हो जाता है। ता या दा का मेल शा से होने पर ता या दा के स्थान पर चा और शा के स्थान पर छा हो जाता है। उच्छ्वास, उच्छ्वास, ता का मेल शा से होने पर छा हो जाता। यह दसवां नियम व्यंजन संधि का है। अगली स्लाइड जो दो और नियमों के साथ है व्यंजन संधि की, कि ता और दा का मेल हा से होने पर ता या दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ता या दा का मेल हा से होने पर ता या दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। उदाहरण देखिए, पद हति पद्धति, दा और हा का मेल होने पर धा हो जाता है। बारवां नियम, मां का से मा तक किसी वर्ण से मेल होने पर मां के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। मां से लेकर का तक के जितने भी वर्ण हैं उनका मेल अगर मां से होता है तो उसके स्थान पर
उसी वर्ग का पांचवा जो वर्ण है हो जाता है, जैसे संतुष्ट, संतुष्ट, संयोग, संयोग। इसकी आसानी वर्णमाला के साथ बेहद 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 समझ में आ जाएगी आप समझेंगे। विसर्ग संधि, हमने व्यंजन संधि के 12 नियम पढ़े, उन 12 नियमों में हमने यह पढ़ा कि कैसे स्वर का स्वर और व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी व्यंजन संधि। हमने पढ़ा कि 12 ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसी कौन सी 12 वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनसे कि व्यंजन संधि का निर्माण होता है, हम उसे बेहतर समझ सकते हैं। विसर्ग संधि अब हम पढ़ रहे हैं, विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस संधि की सरलता यह है कि हम आसानी से यह समझ जाते हैं कि यह विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग संधि का निर्माण और इसका निर्माण रचना है यह एक बड़ा मुद्दा होती है, यह एक बड़ा टास्क होती है विद्यार्थियों के लिए। हम आज उसे भी हल कर लेते हैं। निरस, नीरस, यह इसका सरलतम उदाहरण है। विसर्ग संधि के ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है, वह मैं लेकर आया हूं। विसर्ग संधि के नियम, सबसे पहला नियम, यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो या र ल व हो रहे तो वह उ हो जाता है, और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा औ हो जाता है। विसर्ग से पहले अगर आ आता है और उसके बाद का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या र ल व हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, जैसे मन है, भाव, मनोभाव, तेज है, मैं, तेजो में। यह है विसर्ग संधि का पहला नियम। और यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि गुण संधि अगर आपने अच्छे पढ़ी, अच्छे से पढ़ी है, तो गुण संधि का एक गुण विसर्ग संधि में प्रयुक्त है। विसर्ग संधि के पहले ई उ आए तो विसर्ग संधि के बाद का वर्ण क ख प हा हो तो विसर्ग शा में बदल जाता है। बिल्कुल सरल, ई या उ आए तो विसर्ग के बाद का जो वर्ण है वो का खा पा और फा में बदल जाता है, जो हो अगर ये शब्द आए, ये वर्ण आए तो वह शा में बदल जाते हैं, जैसे निश कपट, निह कपट, निफल, निष्फल, ये सब शा में बदल गए। ये यू रू के बाद जो विसर्ग के बाद जो भी वर्ण का खा पा फा अगर तो यह है। जैसे यहां पर देखिए कि विसर्ग के बाद यहाँ फा आया तो यह शा में बदल गया, विसर्ग के बाद यहाँ का आया तो यह भी शा में बदल गया। अगली स्लाइड, अगले नियम के साथ कि विसर्ग के पूर्व आ तथा बाद में का खा या पाफा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के पूर्व अगर आ और आ हो तो आता है काल, अंता है, और कोई भी परिवर्तन नहीं होता। समझने की बात, का खा या पाफा हो या विसर्ग से पूर्व आ आ, यह नियम याद रखने की ज्यादा आवश्यकता है। सरल है किंतु सरलता सामने, यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो, इसके बाद अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई ऊ का ई और ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग हो, ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए, अर्थात पहली चीज कि ई या ऊ हो उसके बाद विसर्ग आए तो ई और ऊ हो विसर्ग आए और उसके बाद रा हो, तीन चीजें ई या ऊ, फिर इसके बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा हो तो ऊ का ई या ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए, नी रव, नीरव, अब यहां पे ई है, ई और ऊ में से ई है, विसर्ग है,
रा है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और यह हो जाता है नीरा। चौथा नियम विसर्ग संधि को समझने का। पांचवा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, मतलब कि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या 11 लावा हा हो, तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। नि उपाय निरुपाय, निमल निर्मल। सरलतम नियम है विसर्ग संधि बनाने के, व्यंजन संधि बनाने, स्वर संधि आपने ही है, बस अपने को बहुत अच्छे से और समझ के साथ हमें समझना है। ध्यान रखिए, रट्टोगे तो कभी संधि भी सीखने हैं, कभी नहीं सीख सकते हम। संधि को सीखने का सबसे बढ़िया तात्पर्य है संधि को समझना, और आप संधि को समझ जाइए। बिल्कुल वैसा है कि आप अगर एक रस्सी से, अगर आप एक रस्सी से एक नायलॉन की रस्सी बांध रहे हैं, तो उनकी जो पकड़ होगी वो उतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन एक रस्सी से एक दूसरी रस्सी बांध रहे हैं उसकी पकड़ बहुत अलग होगी। तो वह जो रस्सियों के प्रकार हैं वही यहां पर अलग अलग नियमों के साथ आपके सामने आए। यदि विसर्ग के बाद च छ श हो, विसर्ग के बाद च छ श हो और विसर्ग का श टाठा ढा शा हो, तो शा का ताथा सा और सा हो जाता है। फिर से यदि विसर्ग के बाद च छ और शा हो तो विसर्ग का शा, अर्थात विसर्ग के बाद का जो शा है वह ट ठा ढा शा हो, तो शा और त ध स हो तो सा हो जाता है। श श और सा हो जाता है। कैसे होता है? छ छ सा का विसर्ग के बाद श टाठा डा हो तो शा और ता था दा सा हो तो सा। यह है परिवर्तन, यह है विकार उत्पन्न हो जाता है। निचय निश्चय, निचल निश्चय। फिर से देखिए और सरलतम एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अगर विसर्ग के बाद चा हो, विसर्ग के बाद चा हो, सिर्फ एक उदाहरण देखिएगा, एक ही उदाहरण सारा समझा देगा, क्योंकि इसके बाद आप स्वयं ऐसे उदाहरण बनाकर समझ लेंगे। विसर्ग के बाद चा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ये उदाहरण देखिए, नी चा निश्चय, निचय निश्चय। अगर विसर्ग के बाद चाहो तो वह शाम में बदल जाता है। अगर विसर्ग के बाद छा हो तो वह भी शाम में बदल जाता है, निचल निश्चल। आई होप कि आपको अब और ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा कि विसर्ग का यह छठवां नियम क्या कहता है। अगली स्लाइड, और अगली स्लाइड कहती है कि सातवां नियम यह है कि यदि उपसर्ग के आगे पीछे आ हो, उपसर्ग के आगे पीछे आ हो और विसर्ग मिलकर औ हो जाता है। अगर विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो वह विसर्ग से मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आकर लोप हो जाता है और उस स्थान पर जो लुप्त हो जाता है उस वहां पर आप चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे प्रथम अध्याय। अब प्रथम अध्याय, अब ये विसर्ग से पहले प्रथम में म अ, फिर यहां पर विसर्ग है और उसके बाद फिर आ है, तो प्रथमोध्याय और आ जो लोप हुआ है जिसका वहां पर आ चिन्ह लगा दिया जाता है, विसर्ग।
का आठवां जो नियम है विसर्ग संधि का, वह यह है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी अगर दूसरा स्वर होता है, तो विसर्ग के बाद रा अगर होता है तो वह विसर्ग लुप्त हो जाता है के स्थान पर। पहले हर्ष स्वर हो तो वह दीर्घ स्वर हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद अगर रा होने पर, यहां आ के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद रा हो, तो वह जो स्वर है, जो लघु स्वर है, दीर्घ हो जाता है। जैसे यहां पर है नि रस, तो यहां पर आ के अलावा यहां पर ई स्वर है, नंबर वन। दूसरा छोटी ई है, यहां पर विसर्ग के बाद रा है जैसा नियम कह रहा है, और जब यह संधि बनता है तो यह छोटा नी है, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा हो जाती है और यह नीरस हो जाता है। यह है आठवां नियम कहता है। उस नौवां नियम है वह कहता है कि विसर्ग संधि के बाद, विसर्ग संधि का जो नौवां नियम कहता है कि विसर्ग के बाद शा शा सा होने पर, के बाद विसर्ग के बाद शा शा और सा होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। या तो विसर्ग यथावत रहता है जैसा है वैसा, या अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए, नी, यहाँ नी है विसर्ग की यहाँ, लेकिन विसर्ग के बाद अगर सा और सा है तो यथावत रहता है विसर्ग, अर्थात निसंदेह या निस्संदेह। हाँ, देखिए यह अशुद्ध है, निसंदेह यही होता है और यह शब्द बिल्कुल 100% सही है। तो आप इसी को समझें कि विसर्ग के बाद सा श और शा होता है, तो वह विसर्ग यथावत रहता है। बस यह नौवा नियम हमने अभी पढ़ा विसर्ग संधि का। अगली जो स्लाइड है यह आपसे कहती है कि हम अब संधि के अर्थ को समझ चुके हैं। संधि की परिभाषा हमने समझी, संधि का अर्थ होता है कि मेल या समझौता। हमने पढ़ा कि संधि की परिभाषा होती है कि स्वर का स्वर से या स्वर का व्यंजन से जो मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हमने संधि विच्छेद पढ़ा कि कैसे जो अपने पद शब्द को तोड़कर बन जाते हैं, जैसे कि महोत्सव आपके पास है तो महोत्सव। और संधि के हमने तीन भेद पढ़े। हमने पढ़ा कि स्वर संधि क्या होती है, हमने स्वर संधि के पांच प्रकार पढ़े। उसके बाद हमने व्यंजन संधि पढ़ी। हमने व्यंजन संधि के उन नियमों को जाना जिसके आधार पर व्यंजन संधि का निर्माण या रचना होती है, और उसके बाद हमने यह जाना कि विसर्ग संधि क्या होती है और विसर्ग संधि के ऐसे कौन से आधारभूत नियम हैं जो संधि के निर्माण के लिए, विसर्ग संधि के निर्माण के लिए, उसकी रचना के लिए बेहद आवश्यक है। और आप, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि अब जब हम आपसे रुखसत हो रहे हैं, आपसे विदा ले रहे हैं आज की इस कक्षा से, तो आपकी संधि को लेकर एक स्पष्ट समझ बनी होगी। अभ्यास कीजिए, वर्णमाला को साथ में रखकर अभ्यास कीजिए और अपने को समय दीजिए। समय जब आप अभ्यास को देते हैं तो अभ्यास ज्ञान देता है, आपको पूर्ण बनाता है। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। अपना सभी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।